एक लड़का बिहार की एक छोटी सी जगह से दिल्ली आता है और दिल्ली आने के बाद $1 मिलियन पर ईयर की रेवेन्यू वाली कंपनी का मालिक बन जाता है। ये कहानी सुनने में काफी फिल्मी लगती है, इसीलिए आज हम आपको इस कहानी के असल नायक सैयद अरशद से मिलवाएंगे। हमारे साथ सैयद इस वक्त मौजूद हैं। सैयद अरशद भागलपुर से आते हैं और आज ये एक ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस के मालिक हैं। एक वक्त था जब इन्होंने किताब लिखी और किसी भी पब्लिशिंग हाउस ने उसे पब्लिश नहीं किया, तब इन्होंने अपनी किताब को सेल्फ पब्लिश किया और आज कई युवाओं को ये मौका दे रहे हैं किताब पब्लिश करने का। सबसे पहले अरशद आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक लड़के के लिए, इतनी कम उम्र के लड़के के लिए बहुत बड़ा फैसला है और साधन जो है, रिसोर्सेज है, वो नहीं मिल पाते हैं, कैसे फिर आपने किया ये? एक होता है आपका पैशन, ठीक है, पैशन को फॉलो करने के लिए आप कुछ भी कर लेते हो लाइफ में। तो बुक लिखना, अपना खुद की नाम की एक बुक होना, ये मेरा एक सपना था कि मेरे नाम की एक बुक पब्लिश हो। व्हेन आई यूज्ड टू सी बुक्स ऑन रेलवे स्टेशन के स्टॉल्स पे एंड बाकी बस स्टैंड्स के स्टॉल्स पे, तो आई वाज ऑलवेज लाइक फैसिनेटेड कि यार कैसे लिखते होंगे राइटर्स, कितनी मेहनत लगती होगी। आई ऑल्सो हैव सम स्टोरीज दैट आई कैन फ्रेम एंड उसको बुक फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं हमेशा सोचता था, एक ड्रीम था मेरा। उसके बाद मैंने उसे लिखना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि हाँ एक्चुअली में इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, आप एक पूरी रात बैठ करके एक पेज लिखते हो एंड सुबह उठ के आप उसे खुद ही डिलीट कर देते हो बिकॉज एज अ राइटर यू फील कि कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो सालों में एक किताब पूरी कंप्लीट होती है। वो करने के बाद आई नेवर एक्चुअली रिसर्च कि कौन सा पब्लिशर अग्री करेगा नहीं करेगा। बिफोर द स्क्रिप्ट इज कंप्लीट कोई आपको सुनता भी नहीं है, तो दे नीड समथिंग कॉन्क्रीट कि आप लेकर के उनके पास जाते हो। तो फिर उसके बाद देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग पब्लिशर। जब मेरी बुक वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीट तो आई फाउंड आउट कि लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू राइटर, क्योंकि आपका कोई मार्केट नहीं है, आपके पास रीडर बेस नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टर इज लाइक बिजनेस एंड ऑफ द डे। तो कोई भी पब्लिशिंग एजेंसी आपके बुक के ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगी, रीजन क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश रीडर बेस नहीं है। देन आई फाउंड आउट कि देर इज़ अ वे कि आप अपनी बुक खुद भी पब्लिश कर सकते हो, आप अपने कवर डिज़ाइंस खुद तैयार करवा सकते हो, आप अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवा सकते हो, आप एडिटिंग खुद से कर सकते हो, आप किसी की हेल्प ले सकते हो। आई टुक हेल्प फ्रॉम माई लेट अंकल मिस्टर प्रोफेसर रवि रज़ी अहमद, उनसे मैंने हेल्प लिया था एडिटिंग में एंड उसके बाद मैंने डिज़ाइनिंग में अपने फ्रेंड्स की हेल्प ली। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई लाइफ में इस प्रोसेस को समझने के दौरान में कि मुझे प्रोसेस की एक थोड़ी सी नॉलेज हुई कि सेल्फ पब्लिशिंग कैसे करते हैं, देन आई गॉट इट डन। ये जो मुश्किलात आपको झेलने पड़े, जो परेशानियां देखनी पड़ी, क्या इसी वजह से आपको आइडिया आया ये पब्लिशिंग हाउस एस्टैब्लिश करने का? रियली जब मैंने पब्लिशिंग अपनी बुक की कंप्लीट कर ली, बुक वॉज लॉन्च्ड अमेजोन फ्लिपकार्ट हर जगह मेरी बुक अवेलेबल हो गई एंड देन आई अनाउंस्ड ऑन सोशल मीडिया कि हाँ मेरी बुक इज नाउ आउट इन मार्केट। सो बहुत से लोगों के पास स्टोरीज होती हैं एंड बहुत से लोगों को लिखने का शौक होता है। इंडिया स्पेशली इज अ लैंड ऑफ स्टोरीज। तो ऐसे मेरे पास सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया, दे वांटेड टू नो कि मैंने कैसे इस चीज़ को पूरा प्रोसेस को कैसे समझा और कैसे किया एक्चुअली में इम्प्लीमेंट। तो ये सारी चीज़ें मैंने लोगों से शेयर की, कुछ लोगों को मैंने सजेस्ट किया कि कहाँ से मैंने डिज़ाइनिंग कराई है, कैसे, हाउ यू कैन यूज़ दीज टूल्स, ऑनलाइन टूल्स इतने होते हैं आजकल तो आप डिज़ाइनिंग खुद से भी कर सकते हो अपने कंप्यूटर पर। तो ये सारी चीज़ें मैंने लोगों को गाइड की एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज कि देर इज़ अ मार्केट, एक पूरा एक मार्केट की नीड है, देयर इज अ नीड फॉर ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग अपने इन सारे प्रॉब्लम्स को, अगर किसी ने कुछ लिखा है तो उनको लोगों तक पहुँचाने के लिए जो पूरा एक प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करके देने के लिए कंपनी की रिक्वायरमेंट है। कौन से जो लोग हैं, क्या यूपी बिहार के लोग खासतौर से हैं जो आपके पास आते हैं? अभी कंपनी की क्या स्थिति है, आगे आप क्या भविष्य देख रहे हैं, सब बातें हमको आप बताइए। देखिए ऐसा ऑनेस्टली ऐसा कभी कोई रहा नहीं हमारा कि हम सिर्फ अपने साइड के ही लोगों को हम लोग हायरिंग करें या ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज द ओनली पर्सन यू नो स्टार्टिंग में एंड देन पीपल स्टार्टेड जॉइनिंग मी। इनफैक्ट जो पहली एम्प्लॉय थी कंपनी की शी वॉज फ्रॉम दिल्ली। हाँ अभी वो फिलहाल लाइक शी इज़ नॉट विद कंपनी बट वो दिल्ली से थी। बाकी टीम में और भी लोग जुड़े हैं, हिंदी के एडिटर थे राशिद, ही इज़ फ्रॉम बिहार। तो काफ़ी लोग जुड़े जो अलग अलग जगह से थे, नॉट नेसेसरीली फ्रॉम यूपी और बिहार, दिल्ली से भी थे लोग, अलग अलग स्टेट से थे। एंड जब हम लोग काम कर रहे होते हैं उस वक्त द ओनली फोकस दैट वी हैव इज़ ऑन द वर्क। सो उस टाइम पे सिर्फ हमें रिजल्ट्स की पड़ी होती है, उस टाइम हमें ये नहीं होता है कि कौन से लोग जुड़ रहे हैं, अपने साइड के हैं या कहीं और के हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है, लोग जुड़ते चले गए, काम होता चला गया एंड आज कंपनी यहाँ तक पहुँच गई। आगे प्लान्स तो हमारे बहुत सारी हैं,
जैसे फिलहाल अभी हमारा एक प्लान है कि हम चिल्ड्रन बुक में भी थोड़ा सा मार्केट को विल टेस्ट द वाटर्स कि थोड़ा सा देखें चिल्ड्रन बुक में हम उतर करके, क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं दे आर रियली टैलेंटेड, तो अनु करके एक हैं हमारी कॉन्टेंट राइटर, तो उन्होंने वो सारा कॉन्टेंट तैयार किया है एंड इट्स प्रीटी अमेजिंग। सर हमारा आखिरी सवाल है कि जैसा आपने बोला था कि बिहार के लड़के या फिर जो पूर्वांचल ले लीजिए पूरा यूपी बिहार जो है, जो वहाँ से जो छात्र आते हैं लोग काम करने के लिए आते हैं वो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते अच्छे से, थोड़ा झिझकते हैं जैसा कि आपने बताया, तो जो अभी यूपी बिहार से जो लोग ऐसे आ रहे हैं और जो ये परेशानियाँ झेल रहे हैं बड़े शहर में एडजस्ट होने में जिनको दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे जो युवा हैं लड़कियाँ हैं लड़के हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे, क्या उनको सुझाव देंगे राय देंगे कि कैसे वो यहाँ पे एडजस्ट हो पाए? देखिए मेरा सुझाव सारे फ्रेंड्स को मेरे यही होगा कि आप जब भी लाइफ में आपको एक अपना वो क्रिटिकल एनालिसिस जो होती है वो खुद ही सबसे, आप अपने क्रिटिक सबसे बड़े आपको खुद बनना पड़ेगा, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं, उन कमियों को स्पॉट करने के बाद उन पर काम करना होता है। सिर्फ उम्मीद करने से कि ये चीज़ें हो जाती या ये चीज़ें ठीक हो जाती, या इफ़ यू वांट टू कमांड अ लैंग्वेज के ऊपर, जैसे स्पेशली इंग्लिश के ऊपर कमांड करने में लोगों को जैसे प्रॉब्लम आती है, तो इफ़ यू फील कि आपको वो चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसको सीखना होगा, आपको उस पर फोकस करना होगा। आपको ज़रूरी नहीं कि यू विल हैव टू हायर अ VNA ट्रेनर, आपको बिना ट्रेनर हायर किए भी आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। आप मे बी इंग्लिश पेपर्स पढ़िए, आप रीडिंग की हैबिट डालिए, आप लिखना शुरू कीजिए, लिखने से भी यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आपकी खुद की मिस्टेक्स कहाँ पे होती हैं, वो मिस्टेक्स आप खुद स्पॉट करना स्टार्ट कर दोगे। तो चीज़ें आपको, अपनी गलतियाँ आपको ढूंढनी होंगी और अपनी गलतियों को फिक्स करने के तरीके भी आपको खुद ही ढूंढने होंगे। तरीके सारे ही अवेलेबल होते हैं आजकल, द वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, आप एक फ़ोन से आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, तो आपको नॉलेज की कमी नहीं है, आपको बस वो नॉलेज सर्च करना होगा, वो ढूंढने का तरीका निकालना होगा आपको। ये है ABP News, आपको रखे आगे।